कोयल जब कली चटकती है बूंद के नुपुर बांधे जब घटा बरसती है जी सर, तो हम लोग नाटक की रिहर्सल शुरू करें। जी सर। ठीक है, कुछ लोग दाएं विंग में जाना और कुछ बाएं में, जैसा मैंने बताया। जी सर, चलो। सब लोग अपना अपना सीन करने के लिए बीच में आना और सीन खत्म होने के बाद बीच से हट जाना, जैसा मैंने समझाया था। जी सर। याद रहेगा? जी सर। तो हम लोग नाटक बातचीत के पुल का दूसरा सीन शुरू करते हैं। सीन शुरू होगा रिसेस की घंटी से। ठीक? जी सर। जी सर। टन 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 टन। सर, आप शो के समय भी ऐसे टन टन करेंगे? अरे नहीं बेटा, वहां तो हम असली घंटी बजाएंगे पीछे से। वैसे अभी ऐसे सवाल मत पूछो, हम सीन की रिहर्सल कर रहे हैं ना, और वैसे भी सीन की रिहर्सल के बाद हम बातचीत करते हैं ना, कोई शक ना रह जाए। ठीक है, सीन शुरू करें। जी सर। टन 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 टन। आज सर टेस्ट कैसा रहा? यार अच्छा नहीं हुआ। क्यों, क्या हुआ? बहुत मुश्किल था। अच्छा मुझे याद आया, मुझे अपना टिफिन लेने जाना है, मैं तुझसे बाद में मिलती हूँ। आज जब मैच होगा ना तो तू गलत गेंद फेंकियो। जब देखो तेरे दिमाग में चीटिंग ही चीटिंग, जो तेरे मन में आता है तू कर। यार मैं तो परेशानी हो गई हूँ, जब देखो पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, कभी मम्मी और कभी पापा और कभी भैया। तू तो ना बस मुझसे ऐसी बातें मत किया कर, जब देखो शुरू हो जाती है। वो हमें पढ़ने के लिए ही तो कहते हैं और हमें पढ़ना भी चाहिए। ए रेखा, चल खाना खाते हैं, मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। पर अगर तुम यूं ही बोलती रही तो तुम्हारा खाना भी मैं ही खा जाऊंगी। अच्छा सुनो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है। हाँ बोलो। मुझे एक मैथ्स का सवाल समझना है, क्लास में तो कुछ समझ ही नहीं आया। हाँ जरूर, लेकिन तुम्हें भी साइंस में मेरी मदद करनी होगी, साथ साथ खाना और पढ़ाई। भाई आज तो कुछ तय करना ही पड़ेगा। हाँ यार, हम कल भी कौओं जैसे काव काव करके लड़ते ही रहे, ना तो खाना खाया और ना ही खेले। यार पहले कल का मैच पूरा कर लेते हैं। हाँ आज तो हमारी टीम की बारी है। यार भूख लग रही है, खाना खा लेते हैं। तो बॉलिंग और फील्डिंग की ताकत कहाँ से आएगी? अच्छा बच्चू, जब हमारी बैटिंग आई तो खाना याद आ गया। पहले खेलेंगे, पहले खाना। टॉस कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, हेड खेल टेल खाना। ठीक है, ठीक है, टॉस उछालो। टॉस चलो खेलते हैं, चलो खेलो, आ जाओ, चलो चलो आ जाओ खेलते हैं। अरे रवि तू नहीं आ रहा? नहीं यार, मैं संजय के साथ खाना खाऊंगा। संजय, कोई बॉलिंग नहीं करवाता। संजय, संजय, ये रहा यार।
अरे मेरा बहाना कब से रुक रहा है? चिल्ला चिल्ला के गला फट गया। आओ संजय उधर मार। क्या हुआ यार संजय? खुश हो तो खुश हो तो अब आओ आउट है। नहीं यार कोई ढंग की बात करो। बहुत अच्छे शाबाश बहुत अच्छे। बस एक बात का ध्यान रखना, संवाद बोलते समय दर्शकों की आंखों में आंखें मिलाना जरूरी है, समझे? जी सर। लेकिन सर जब मैं दर्शकों से आंखें मिलाती हूँ ना तो मैं कुछ नर्वस हो जाती हूँ। बेटा तुम्हें दर्शकों से डर लगता है? जी सर। पर बच्चे ये डर तो तब भी रहेगा जब तुम उनकी आंखों में आंखें नहीं मिलाओगी। डर तो मन में होता है ना, अपने मन में। जब विश्वास हो ना तो आंख मिलाना आसान हो जाता है, और जब आंख मिल जाती है तो विश्वास पड़ जाता है। जी सर। अच्छा एक बात बताओ, लेखक ने नाटक का नाम बातचीत का पुल ही क्यों रखा? सर शायद बातचीत से कोई पुल बनता है। ऐसे थोड़ी ना होता है। सर मगर कुछ तो रखना ही था। एवी एवी डायलॉग मार रहा है लेखक। पर पुल ही क्यों रखा, बातचीत ही काफी था। ये बात सही है, ठीक है ठीक है। चलो सोचते हैं, तुम बताओ। सर मुझे नहीं पता, ऐसे रख दिया होगा। मैं बताता हूँ, नाटक में जिन बच्चों में बातचीत चालू है वो आपस में खाना शेयर कर रहे हैं, आपस में खेल रहे हैं, उनकी आपस की बातचीत आपस में उनका मेलजोल बढ़ा रही है, एक दूसरे पर विश्वास का पुल सा बना रही है। जैसे पुल दो किनारों को जोड़ता है ना, वैसे ही संवाद और बातचीत एक दूसरे को जोड़ती और झगड़े खत्म करती। लेकिन सर जो बच्चे मैच खेल रहे हैं उनमें जो टीम हारेगी वह दूसरे से लड़ेगी। हाँ हार और जीत तो लगी हुई, लेकिन खेल अच्छी तरह चलता रहे इसी में सबकी भलाई। इसीलिए सबसे जरूरी है यानी संवाद जारी रहना चाहिए। जी सर। सर मगर सर संजय संजय ने तो चुप्पी ही साध ली है। और रवि भी नाराज है उससे। जी सर। कल सीन के रिहर्सल के बाद बातचीत करते हैं। ठीक ओके सर। बाय बाय सर। सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो बोलो। सर यहाँ नहीं कहीं और। किसी की चुगली तो नहीं करनी? नहीं सर बिल्कुल नहीं। देखो अगर किसी से शिकायत है तो बातचीत और भी जरूरी है, आमने सामने खुले दिल से आंख से आंख मिला के विश्वास का पुल बना के। हाँ बिल्कुल ठीक। युद्ध की हालत तभी तक आती है जब तक दिल में खोट हो और होठों पे झूठ। चले यस सर। चलो हाँ तो अब बताओ बात क्या है। सर मुझे अपने आप पर बिल्कुल विश्वास नहीं है कि मैं इस नाटक में काम कर पाऊंगी या नहीं। क्यों तुम्हारे माता पिता नाराज हैं क्या? नहीं सर ऐसा तो नहीं था, मगर तुमने उनसे बातचीत तो की? नहीं सर, दरअसल आजकल पढ़ाई बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही और तो और होमवर्क भी पूरा नहीं हो पा रहा। तुम्हें ऐसा लगता है कि नाटक में हिस्सा लेने की वजह से तुम्हारी पढ़ाई में फर्क पड़ रहा है? नहीं सर ऐसा तो बिल्कुल नहीं, नाटक में पार्ट लेने से तो एनर्जी इतनी बढ़ जाती है, इतने सारे दोस्त, बहुत मजा आता है। तो पढ़ाई किसी और वजह से कमजोर चल रही है? हाँ जी सर, दरअसल सर आजकल क्लास में कुछ भी समझ नहीं आता। तो ठीक है अपने टीचर से बात करो। मगर सर उन्होंने डांटा तो? अगर ये सोचकर जाओगी बेटे तो जरूर डांटेंगे। मगर सर फिर भी अगर माता पिता ने मना कर दिया तो? बेटे तुम उनसे जाकर बात तो करो, वैसे भी माता पिता बच्चों के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और संवाद हर रिश्ते की जड़ें मजबूत करता है। जी सर। कल रिहर्सल में मिलेंगे ठीक? सर कोशिश करूंगी। जरा अपना दायां हाथ उठाने की कोशिश करो। बेटा ये क्या किया तुमने? सर आप ही ने तो कहा था। मैंने कहा था दायां हाथ उठाने की कोशिश करो,
लेकिन तुमने तो आराम से हाथ उठा दिया। समझ गई सर, अगर विश्वास हो तो कोशिश कामयाबी में बदल जाती है। थैंक यू सर। बाय बाय सर। हाँ तो अगला सीन गीता। रवि क्या बात है रवि? सर मैं स्टार्टअप में काम नहीं कर सकता। क्यों, अचानक ऐसा क्या हुआ? सर ये गीता की बच्ची है ना। सॉरी सर, सर ये गीता है ना, रोजाना मुझे चिढ़ाती है, कहती है मुझे लड़ाकू और बेवकूफ बच्चे का काम इसलिए मिला है क्योंकि मैं लड़ाकू हूँ और शक्ल से बेवकूफ लगता हूँ। नहीं सर, मैंने इसे कुछ भी नहीं कहा था, इसी ने पहले मुझे चिढ़ाया था। सर इसने मुझे पहले चिढ़ाया था। सर इसने मुझे पहले चिढ़ाया। तूने चिढ़ाया था। झूठ मत बोल, मैंने तुझे कुछ नहीं कहा। डायरेक्टर ने चुप्पी साधी, हमसे कुछ नाराज है लेकिन फिर भी वो मुस्काता है। कुछ कहती है उसकी चुप्पी, खामोशी एक भाषा है। इतनी छोटी सी एक चुप्पी कहती कोई गाथा है। हमने वादा किया था उससे नाटक हम एक साथ करेंगे, तोड़ेंगे दीवार झिझक की एक दूजे से बात करेंगे। सबको पड़ेगी डांट मगर बस दो लोगों ने गलती की है। लड़े ये दो पर हम सब ने भी देखा तमाशा मस्ती की है। जितनी इन दोनों की गलती उतनी ही सबकी गलती है। उसके बताए काम करे तो डायरेक्टर भी प्यार करेगा, गलती करे तो दुख उससे होगा फिर भी नहीं इनकार करेगा। आओ हम भी चुप्पी साधे, आँखों आँखों माफी मांगे, नाटक का सपना जो अपना बात करे तो सच कर पाए। माफ कर दीजिए सर। ठीक है, अगले सीन की रिहर्सल हम कल करेंगे। जी सर। ठीक। जी सर। कल मिलते हैं फिर। जी सर। अरे क्या हुआ, कोई झगड़ा हो गया है क्या? कुछ तो बोल। ऐसी कोई बात नहीं है। अब समझी, आज खाना नहीं खाया ना, इसीलिए मूड खराब है। अच्छा उठ, अब खाना खा ले, चल। क्या हुआ, खाना क्यों नहीं खा रहा? रोज तो हंसते गाते परेशान कर देता है मेरा बेवकूफ भाई। फिर तो ठीक है ना? ठीक नहीं है ना, ऐसे बुद्धों जैसे शक्ल बनाकर बैठा है तो बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। कुछ खा लेना, ना तो खाने ने कोई गलती की है और ना ही तूने।
हाँ तो अब बता बात क्या है? सारी गलती उस बेवकूफ संजय की है। अरे संजय तो तेरा सबसे अच्छा दोस्त है। था, है, पता नहीं। कल मैंने उसे इतनी मेहनत से ढूंढा और कहा चलो खाना खाने चलते हैं, मगर कोई जवाब नहीं दिया और फिर दूसरी तरफ मुंह करके चल दिया। पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। अब मैं भी बात नहीं करूंगा उससे, तुम कहो तब भी नहीं। दीदी आज जब तुम स्कूल से आए थे तो तुमने भी तो मेरी बात का जवाब नहीं दिया था। मैं परेशान था, नाराज था। मैं नाराज थे क्योंकि संजय ने तुम्हारी बात का जवाब नहीं दिया। अगर तुम्हारी तरह मैं भी किसी दोस्त से नाराज हो जाती और वो किसी और से, तो बातचीत का पुल तो बिल्कुल ही टूट जाता ना। हे भगवान, हो सकता है संजय किसी और बात से परेशान हो, पर उसे कहना तो चाहिए था ना दीदी, मैं उसका सबसे अच्छा दोस्त हूँ। जब कोई परेशान होता है ना तो उसे नहीं पता चलता कि वो किसके पास जाकर अपना दुख हल्का करे। ऐसे में एक सच्चे दोस्त का फर्ज होता है कि वो पहल करे। मगर जानती हूँ मुश्किल होता है, पर सोचो जब तुम उसे एनकरेज करोगे कि वो अपनी प्रॉब्लम तुमसे शेयर करे, तो तुम दोनों सबसे अच्छे दोस्त बन जाओगे और फिर हंसी खुशी। अच्छा लगेगा ना तुम्हें? हाँ अच्छा तो लगेगा। तो चल फोन उठा और माफ़ी मांग उससे। माफ़ी? माफ़ी क्यों मांगूँ? माफ़ी का मतलब होता है तुम्हें अफसोस है कि नहीं? ठीक है, मगर फिर भी नहीं माना तो मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। दिल दुखाया है उसका, अगर माफ़ी भी मांग लोगे तो कोई हर्ज नहीं। एक बात याद रखना, दोबारा दोस्ती करना, मन मुटाव खत्म करना, ये तुम्हारी चाह है, इसके लिए अपनी ईगो पर मत अड़ जाना। ठीक है दीदी। अच्छा तो तुम अपने दोस्त से अकेले में बात करो, ठीक है? गुड लक। शाबाश, बहुत अच्छे। देखो अगर किसी से शिकायत है तो बातचीत और भी जरूरी, आमने सामने खुले दिल से संवाद बोलते समय दर्शकों की आंखों में आंखें मिलाना जरूरी है। अगर विश्वास हो तो कोशिश कामयाबी में बदल जाती है। जैसे पुल दो किनारों को जोड़ता है ना, वैसे ही बातचीत एक दूसरे को जोड़ती है। बातचीत का पुल जो बनाए और भी जीवन सफल बनाए, बातचीत का पुल जो बनाए और भी जीवन सफल बनाए। धारा से धारा मिलेगी, कल कल करती नदी बहेगी, कोई दल घट नहीं जमेगी, कल कल करती नदी बहेगी। बातचीत का पुल जो बनाए और भी जीवन सफल बनाए, बातचीत का पुल जो बनाए और भी जीवन सफल बनाए।